बंदो आज ना ये वाला वेब लेके आया हूँ। ये आया है आई गेट मून और इसको करना है रिचार्ज। तो इसको मैं खोल रहा हूँ। वैसे तो मेरे को टेक्निक पता है इसको खोलने की, बट आप जैसे देख रहे हो ना इसको खोलने की कोशिश कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसको तोड़ना नहीं है और अपने चोट नहीं मारनी है, प्यार से खोलना है जैसे इसकी बैटरी और एलिमेंट या फ्लेवर कुछ भी ख़राब ना हो। आप 2-3 बार रिपीट करके देख सकते हो मैंने किस तरीके से खोला है। और खोलने के बाद इसको सबसे पहले रिचार्ज करना है हमें। तो रिचार्ज करने के लिए हमको सबसे पहले ना इसकी टेप काटनी पड़ेगी। ये येलो कलर की जो आपको दिख रही है, इस येलो कलर की टेप को काटेंगे। ये मिल गई, ये चिमटी है मेरे पास में पहनी। मैं इससे ट्वीज़र कहते हैं इसको या लाइनर भी कह सकते हो तुम। तो इसकी मैंने ये टेप काट दी है। लेकिन ध्यान रखना है जो टेप आप काट रहे हो ना, रिचार्ज करने के बाद ये टेप आपको वापस लगानी पड़ेगी ताकि बैटरी शेल के अंदर जाके हिले ना या आवाज़ ना करे कोई। इसके आपको वायर्स अलग करने हैं। दो वायर इसमें बैटरी में अटैच होते हैं, एक रेड और एक ब्लैक। तो दोनों को अलग करना है आपको। बिना अलग करे चार्जिंग पे मत लगाना, नहीं तो वेब ख़राब हो जाएगा। तो मैंने इसके वायर्स अलग कर लिए जैसे आपने देखा भी। और अब आपको एक डाटा केबल लेनी है, मोबाइल जिससे आपका मोबाइल चार्ज होता है। वो डाटा केबल आपको दूसरी तरफ से काटनी है। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। ये देखो डाटा केबल ले ली मैंने और ये डाटा केबल देखो मैंने पूरी तरफ से काट रखी है। और इसकी रेड वाली वायर जो है वो पॉजिटिव है और ब्लैक वाली वायर है वो नेगेटिव है। तो रेड वाली वायर को रेड वाली साइड ही लगाना है और ब्लैक वाली वायर को ब्लैक वाली साइड ही लगाना है। देखो जैसे मैं शोल्डिंग कर रहा हूँ इसको लगाया मैंने, हल्की सी फूंक मारी और ये लग गया। दूसरी साइड करा मैंने, ये लगाया और हल्की सी फूंक मारी, ये हो गया। और इसके जो डाटा केबल का दूसरा एंड है ना, जो पेन ड्राइव के जैसा होता है, उसको आपको चार्जर में लगा देना है। और इसको आपको 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देना है। हम चेक करते हैं। जब मेरे पास आया था तो इसकी बैटरी बिल्कुल लो थी, अभी 5 मिनट से लगा हुआ है ना, तो कुछ तो बड़ी होगी। तो आप देख सकते हैं 3.83 समथिंग आ रहा है। तो अगर 3.7 से नीचे हो जाता है ना तो ये बैटरी इसका मतलब लो हो चुकी है और अब ये काम नहीं करेगी। बट इसको 3.7 से 4.2 के बीच में होता है, तो आपको ना 3.70 से 4.00 तक रखना है या 4.01, 02, 03, 04, 05। इससे ऊपर अगर आप चलेगा तो बैटरी फट सकती है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपको ना 3.99 तक गुड है, उसके बाद बैटरी कभी भी फट जाती है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना उस चीज़ का। मेरी बैटरी फुल हो गई, आपने जैसे मीटर में देखा 3.97 हो गई थी। तो इतना गुड इनफ है आपका रिचार्ज करने के लिए, इतनी ही बैटरी आती है इसमें। वैसे तो मैंने इसके वायर्स निकाल ली डाटा केबल की, रेड और ब्लैक। अब आपको इसकी वापस वायर लगानी है। नीचे की साइड इसकी रेड वायर है, तो मैं रेड वायर को पहले अटैच कर देता हूँ। ये मैंने करी रेड वायर, वापस से शोल्डिंग कर दी इसको। रेड वायर को वापस वहीं लगा कर वहीं वापस पेस्ट कर दिया। और अब इसकी ब्लैक वायर लगाएंगे वापस से जहाँ से हमने निकाली थी। और इसकी जो वायर है ना, इसको निकालने के बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप इसकी वायर वापस लगाओगे ना, तो जैसे ही इसकी वायर टच होगी इसकी नीचे एक लाइट जलेगी, जो वेव की लाइट होती है। और वो लाइट जलते ही इसका मतलब ये हो गया चार्ज। अब आप इसको बाहर से भी फूंक मार के चेक कर सकते हैं सेंसर के ऊपर। और हाँ, जैसा मैंने शुरू में बताया था, टेप लगाना नहीं बोलना आपको। मतलब बोल भी सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, बट वो हिलेगा तो आपको खुद भी नहीं अच्छा लगेगा। तो इसीलिए आप टेप लगा दीजिए जिससे कि बैटरी उसकी इधर उधर मूव ना हो। और इसको जिस तरीके से आपने खोला था ना, ध्यान रखना वापस उसी तरीके से इसको पैक करना है। ये मैंने इसका फ़िल्टर लगाया और इसका खाँचा बना हुआ है, इसमें कुछ ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी आपको। प्यार से लगाओगे और प्यार से चला जाएगा। ये हल्का सा धक्का मारा, ये अंदर चला गया। और इसको भी प्यार से अटैच करना है लॉक्स का ध्यान रखते हुए। आपको दिख जाएंगे इसके लॉक्स। ये लॉक्स जैसे ही परफेक्ट लग जाएंगे ना, आप इसको हल्का सा दबाओगे पैक हो जाएगा ये। और ये हमारा वेव रेडी हो गया चार्ज होकर। अब कश मार के दिखाता हूँ आपको, ये स्मोक भी आ रहा, सही कर रहा। और ये ओके,